एक राजकुमार हूँ और यह मेरा राज्य है। मैं सबसे अधिक भाग्यवान हूँ कि जीवित हूँ। मेरा नाम तिहारू है। मेरे लिए खाना बनता है उन चीज़ों से नहीं जो मेरे सामने है, लेकिन इस बात के कारण कि मेरे बगल में कौन है। देखो नमक ठीक है कि नहीं, शक्कर ठीक है कि नहीं, गणित पढ़ाया कि हिंदी पढ़ाया। यह मेरा घर है, मेरा घर है मेरी बहनों की हंसी, और मेरा घर है मेरे पिताजी का स्पर्श। मुझे अपने पिताजी पर भरोसा है, वह मेरी अगुवाई करते हैं हमेशा। मेरा पिताजी के साथ साथ चलना एक बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन आज यह चलना कुछ अपरिचित कुछ अनजान सा है। समझ पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं, तिहारू मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी बहनों को जिंदा रखने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। की आज्ञा मानूंगा, मुझे अपने पिताजी पर भरोसा है, लेकिन क्या मेरा मूल्य केवल एक बोरी चावल के बराबर है? जीवन में पहली बार अपने पिताजी के प्यार पर मुझे संदेह होने लगा है।
काज किया नहीं है और खाना लेने आ गए। नहीं है कोई खाना, चलो जाओ यहाँ। चले जाओ, चले जाओ। पानी ले गया बच्चे को, खूब मारा है, छोड़ दो भाई।
मारा है उसको, खूब मारा है आपने, कृपया उसे छोड़ दो। आपको जो भी चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार, आप उसको छोड़ दो भाई। अरे छोड़ो, आपको आपको जो भी चाहिए हम देने के लिए तैयार है, आप उसको छोड़ दो। तुम्हारा समय पूरा हो गया है, चलो चलो। यह कौन व्यक्ति है, यह कौन नया स्वामी है जो मुझे एक नरक से दूसरे नरक की ओर ले जा रहा है, या यह कोई दूसरा व्यक्ति है? वह कहता है कि वह एक पासवान है जिसका कार्य खोए हुओं को ढूंढना है, उनमें मैं भी हूं क्या? परमेश्वर का एकलौता पुत्र। सर आप कैसे हैं? हाँ सर, ये सब परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि वह मेरा पिता नहीं था जिसने मुझे बंधवाई में भेजा था, परंतु वह मेरा स्वर्गीय पिता था। मेरे संसारिक पिता ने तो मुझे एक बोरी चावल के लिए बेच दिया था, परंतु मेरा स्वर्गीय पिता मुझे वास्तविक स्वतंत्रता की ओर लेकर चला। को स्वीकार करता हूँ, यीशु को स्वीकार करता हूँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और इस बात में कोई शक नहीं है कि मेरे पिता आत्मगलानी को उस चावल की थाली से अधिक दूर ले गए हैं, लेकिन मैं अपने पिता से इस बोझ को अब आगे ले जाने नहीं दे सकता। कल मुड़ कर मुझे देखेगी नहीं, पुराने देखेगी नहीं, हाथ के लिए क्या देखवा रहा था, मैंने वो सुन लिया और माँ गा के आधार पर उस प्रभु यीशु मसीह के दास होने के नाते मैं आपके पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से स्वीकार करते हैं, तो आपके विश्वास के आधार पर मैं उस आशीष के लिए बहुत ही धन्यवादित हूँ कि उसने मुझे वचन का अध्ययन करने के लिए एक अवसर दिया और उसके साथ दूसरों का जीवन बचाने का कार्य भी दिया है। कभी मैं एक गुलाम हुआ करता था, यीशु मसीह के प्रेम बिना खोया हुआ था, और अब परमेश्वर मुझे दूसरों के जीवनों को गुलामी से बचाने के लिए तथा उसके साथ जीवन जीने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं परमेश्वर के नाम धन्य कहूंगा, उसने मेरे अंधकार को ज्योति में बदल दिया है, उसने मेरी त्रासदी को गवाही में मुखरित कर दिया। Yeah.
खाने के लिए प्रार्थना कर। यह संसार हमें दुख दे सकता है, परंतु परमेश्वर हमेशा मेरे साथ में। उसके अनुग्रह का सूर्य कभी डूबता नहीं। उसकी योजनाएं सिद्ध हैं। अब से मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा। अब क्षमा हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हो गई है। परमेश्वर ने मुझे अपना पुत्र कहकर पुकारा है और मैं भी उसे पिता कहूंगा, क्योंकि मैं एक राजकुमार हूँ और यह उसका साम्राज्य है। रायपुर कैसे पहुंचा जाओ पहला।